नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी 2024 को लेके कि इसका रिजल्ट कब तक आएगा और इसके फिजिकल कब तक कंडक्ट करवाए जाएंगे और इसकी कट ऑफ क्या रहेगी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि जिन भी साथियों के 120 या इसके आसपास नंबर बन रहे हैं वो फिजिकल की तैयारी करें या फिर अगली भर्ती की तैयारी करें। तो साथियों, मैं आपको बता दूँ, इसका रिजल्ट आपको जून के सेकेंड वीक में आचार संहिता हटने के बाद ही देखने को मिलेगा। और फिजिकल कब तक करवाए जाएंगे, फिजिकल इसके जुलाई के फर्स्ट वीक में आईटीबीपी के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक टाइम की चिप सेट के साथ करवाए जाएंगे, जो आपके चेस्ट के ऊपर बांध दिया जाएगा। तो आप उसके बाद चाहे 10 सेकंड के बाद दौड़ना स्टार्ट करोगे तो आपका टाइम तभी से स्टार्ट होगा। और तीसरा और मेन इम्पोर्टेंट चीज़ कि इसकी कट ऑफ क्या रहेगी। कट ऑफ साथियों सभी स्टेट की आपको पता है अलग अलग रहती है, लेकिन हम जो मेन स्टेट है उनकी और एक एसएसएफ की बात करते हैं कि इनकी कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो इनकी कट ऑफ एसएसएफ की कट ऑफ तो यदि आप देखोगे तो ओबीसी और जनरल से जो स्टूडेंट आते हैं और उत्तरी भारत के अंदर जिनका यूपी एमपी बिहार राजस्थान जिनके जिन भी साथियों ईडब्ल्यूएस ओबीसी और जनरल जिनके भी 150 से ऊपर नंबर हैं वो ही ये मान के चले कि मुझे एसएसएफ मिलेगी, वरना इससे नीचे नंबर हैं उनको एसएसएफ बिल्कुल नहीं मिलेगी, ये श्योर है। और हम बात करें सीआईएसएफ आईटीबीपी बीएसएफ ये कितने नंबर तक मिल जाएंगी और फिजिकल के लिए इनकी कट ऑफ क्या रहेगी। तो साथियों ओबीसी जिन भी साथी के 120 आप तो ऐसे मान के चलो यूपी में जनरल 135 और 132 ओबीसी और एमपी में 125 से 130 और बिहार राजस्थान में 128 से 130 ये नंबर जिन भी साथी के बन रहे हैं इनसे या दो चार नंबर इससे ऊपर बन रहे हैं वो फिजिकल के लिए श्योर। फिजिकल के लिए तो ये भी बुलाए जाएंगे लेकिन इनका श्योर सिलेक्शन फाइनल नहीं हो पाएगा, ये कट ऑफ फिजिकल की है। और आपको फाइनल सिलेक्शन लेने के लिए इस कट ऑफ से कम 5 से 7 नंबर ऊपर चाहिए। तो जिन भी साथियों के 140 138 के समथिंग स्कोर हो रहा है वो तो श्योर माने कि किसी ना किसी वैकेंसी डिपार्टमेंट की एक पोस्ट आप ले ही जाओगे। और जिन भी साथियों के इनके आसपास नंबर हैं वो क्या करें वो सबसे ज़्यादा डाउट में है। तो मैं ये वीडियो उन्हीं साथियों के लिए बना रहा हूँ कि जिन भी साथियों के नंबर 120 या उसके आसपास हैं वो साथी क्या करें। साथियों आपको पता है कि ये वैकेंसी पूरी नहीं होगी, उससे पहले दूसरी वैकेंसी आपके दरवाजे पर दस्तक दे चुकी है। सितंबर में फॉर्म फिलअप प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी और जनवरी के अंदर आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे और जनवरी में एग्ज़ाम हो जाएंगे आपके पास तकरीबन 6 महीने बचे हुए हैं। और जिन भी साथियों के मैं ये मानता हूँ कि 120 के आसपास नंबर बन रहे हैं उनकी तैयारी पूर्ण हो चुकी है, उनको केवल पेपर में बैठकर पेपर सोल्व करने का ही अभी तरीका नहीं आया है, वरना जो तैयारी एक कंपटीशन लेवल की होती है वो कंप्लीट हो चुकी है इनकी। तो अब ये 120 से अपना स्कोर कैसे बढ़ाएं मैं इसी पर बात करूंगा। इनको केवल और केवल जो भी साथी अपने 120 125 110 100 से ऊपर जिन भी साथियों के नंबर बन रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ ऑफलाइन और ऑनलाइन दिन में 3 टेस्ट लगाओ, केवल 3 अभी आप शुरू करोगे तो आपको 6 घंटे पढ़ना और 2 घंटे एक टेस्ट लगाकर 2 घंटे उसका रिवाइज करना। फिर जैसे जैसे आपकी 1 महीना 2 महीना गुजर जाएगा उसके बाद आप 2 टेस्ट कर दोगे दिन के, फिर आप 3 टेस्ट और आप जो मंथ बचेगा एग्ज़ाम देने का जैसे दिसंबर मंथ के अंदर तो आपको पूरे दिन ही टेस्ट लगाने हैं और उसकी एक नोटबुक बना लेनी है कि मेरे को ये क्वेश्चन इस टेस्ट में सोल्व नहीं हुए, अगला टेस्ट देने बैठो उससे पहले वो क्वेश्चन मैथ का हो रीजनिंग का हो जीके जीएस किसी का।